मथुरा के वार्ड नंबर 18 से समाजवादी पार्टी ने अपनी जीत दर्ज करा ली है और नाजरा मलिक जो कि यहां से प्रत्याशी थी वो जीत चुकी हैं। अभी हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या अपनी जीत का श्रेय किसे देना चाहेंगे? पूरी जनता को। पूरी जनता को जी। आगे जो जनता से वायदे किए थे आपने पहले, उन्हें पूरा खरा उतरेंगे? पूरा करवाएंगे जी। नाजरा जी के पति हमारे साथ मौजूद है मलिक साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो वायदे जनता से किए थे उन पर कितना खरा उतरेगा? बिल्कुल पूरे खरा उतरूंगा इंशाल्लाह, और पहले भी खरा उतरा था, इसलिए मुझे प्यार मिला है। ये सारे लोग थोड़े इनका प्यार है, बड़े भाई हैं मेरे, कोई छोटे हैं, इन्होंने जिन्होंने मुझे प्यार दिया है और जिस तरीके से जितवाया है, तो मैं इनका बहुत बहुत आभारी हूँ। इसको जाता है आपकी जीत का श्रेय? मेरा जीत का श्रेय सारी भारतीय जनता को जाता है। जो वायदे किए थे जनता से उन पर कितना खरा? उनसे पूरा खरा उतरूंगा 100% का। आपने देखा कि इस तरह से मलिक साहब ने एक बात कही कि वो अपने हर हाल में जो जनता से वायदे किए थे उन पे खरा उतरेंगे। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं जानना चाहूँगा कि आपसे जानना चाहूँगा कि क्या है वार्ड की जो जनता को जो ये जीत मिली है इसके पीछे का? वार्ड नंबर 18 से नाजरा मलिक जीती हैं और बधाई, और इसलिए कि वह जितने उन्होंने विकास काम कराए, समाजवादी पार्टी की सरकार जब थी तभी बहुत विकास काम कराए और जनता की आवाज़ थी। सीटिंग जो है वहाँ की सभासद थी, इस बार पार्षद सीट हुई है और हमें खुशी है कि उन्होंने उनको जनता ने बहुत प्यार दिया और दोनों लोग काम करने में सक्षम है, पार्टी पूरी साथ। आपने प्रत्याशी को उतारा था तो कितनी उम्मीद थी आपको इनकी जीत? नहीं, हम पूरी तरह आश्वस्त थे, हालांकि बहुत बड़ा विरोध था इसमें, मतलब विरोध से टिकट मांगने वाले बहुत बड़ी संख्या में थे और सबसे बड़ा घमासान इसी में था। लोगों ने शक्ति प्रदर्शन भी किया, लेकिन जनता की आवाज़ थी कि नाजरा मलिक और उनके पति जो है अब्दुल मलिक ही यहाँ पे मुफीद रहेंगे, तो हमने जनता की आवाज़ को सुनकर पार्टी ने ये फैसला किया और वह फैसला सही साबित हुआ। इस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष का कहना था कि बेशक से चाहे जनता के बीच में आक्रोश रहा हो शुरुआत में, लेकिन आज उन्होंने जो जीत दर्ज करा ली है, निश्चित तौर पे ये जनता की जीत है और इस जीत के बाद वो अपने दावों और वायदों पर जनता के बीच में यूं ही खरा उतरेंगे। समाचार सिटी 24 पर बने रहिए हर ताज़ा तरीन खबर के लिए।